की बड़ी खबर। मासूम को मारकर किया बलात्कार, फिर शव को ठिकाने लगा दिया। ट्यूशन टीचर की काली करतूत, यह वारदात नई दिल्ली गाजियाबाद की दर्शाई जाती है। ये खबर बेहद दिल दहला देने वाला है, जहां 7 साल की मासूम बच्ची की उसी के लाश के साथ बेहद खौफनाक तरीके से बलात्कार किया गया। इसके बाद लाश को एक धार्मिक स्थल के पास खाली प्लॉट में ठिकाने लगा दिया। ये घिनौना अपराध करने वाला आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी टीचर है, लेकिन वह 12वीं क्लास में ही पढ़ता है। आरोपी का नाम अभिषेक मिश्रा बताया गया है। लोनी इलाके के अलवी नगर में बुधवार को धार्मिक स्थल के पास खाली प्लॉट में 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि 24 घंटे के भीतर यह मामले का खुलासा कर दिया जाएगा, और यह मामला सामने आया है। मामले में फैजुल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी घर के सामने ही रहता था, बच्ची उसके पास ट्यूशन पढ़ती थी। फैजुल ने 2 दिन पहले देर शाम बच्ची को जल्दी बुलाया था और कहा था कि आज ट्यूशन में वह एग्जाम की तैयारी करने वाला है। जब बच्ची चिल्लाई ने विरोध किया था तो जगह पर ही गला दबा कर हत्या कर दी थी। उसी वक्त बच्ची ने दम तोड़ दिया था। फिर लाश के साथ घिनौने तरीके से बलात्कार किया गया था। काफी बुरी तरह से बच्ची जख्म हो गई थी। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। परिवार में पसरा है मातम, आखिर कब तक होगा ये ऐसे मासूम बच्चों के साथ, और कब